उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के थाना क्षेत्र कोठी के अंतर्गत ग्राम उरई में परिजनों व ग्रामीणों की मांग पर राम सनेही घाट क्षेत्राधिकारी पंकज सिंह के नेतृत्व में मृतका के पति को थाने लाया गया। गाड़ी से उतरते ही युवक चिल्लाने लगा कि पुलिस वालों ने बहुत मारा है। उसकी गुहार सुनकर ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, ग्रामीण पुलिस की जीप अपने साथ लेकर चले गए। पुलिस उसको छुड़ाने को लेकर ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया और महिला सशक्तिकरण को भूल गए। कोठी पुलिस महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा। इसके जवाब में ग्रामीणों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घंटों पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने मृतका के पिता को मृतका का शव सौंप दिया। ग्रामीणों की पत्थरबाजी व पुलिस के लाठी चार्ज में आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें चौकी इंचार्ज सिद्धौर रूपेंद्र मिश्रा, थाना अध्यक्ष शिवाकांत त्रिपाठी व कोठी रितेश पांडे समेत दरोगा विजय सिंह राठौर और कई सिपाही चोटिल हो गए। देर रात तक सीओ आरएस घाट पंकज कुमार के द्वारा गांव में गश्त कर मृतका के पति की तलाश की जा रही है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 8/6/21 को जनपद बाराबंकी के असंदरा थाना क्षेत्र में रात में लगभग 11 बजे के आसपास एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम के बाद कल दिनांक 9/6 को शाम लगभग 6 बजे के आसपास अंतिम संस्कार के समय कुछ ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आईं। इस तरह के लोगों को चिन्हित किया गया है। 18 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें कुछ अज्ञात लोग भी हैं, और आज 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य उपद्रवी व्यक्तियों की तलाश की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।